A very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and healthy. And how your study going on? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? I hope your study must be going well. Today I am teaching you subject maths. Topic is shapes. आज मैं आपको maths पढ़ाऊंगी और maths में आपको topic जो है shapes समझाऊंगी. There are 6 shapes. यहाँ पर कितनी shapes हैं? 6 shapes हैं. I will explain you each shapes with examples. मैं आपको हर एक shapes को examples के साथ समझाऊंगी. Yes, children. First shape is circle. CIRCLE, circle. Circle means जो round होता है ना. जैसे examples, आपकी मम्मा का बैंगल जो है वो circle में होता है. चपाती आपकी मम्मा बनाती हैं, वो भी किस में? ओके चिल्ड्रन, सेकंड शेप जो है किसकी है? स्क्वायर की. इसकी स्पेलिंग है SQUARE, स्क्वायर. इसकी सारी साइड्स जो है वो कैसी होती है? इक्वल होती हैं. एग्जांपल इसका, जैसे ब्रेड का पीस होता है, वो भी आपका किस शेप में होता है? स्क्वायर शेप में होता है. और सेकंड आपका कैरम बोर्ड जो होता है वो किस में होता है? वो भी सेकंड जो है आपका एग्जाम्पल क्या है? कैरम बोर्ड जो होता है वो भी स्क्वायर में होता है. थर्ड शेप जो है किसकी है? ट्राइंगल की है. ट्राइंगल की स्पेलिंग क्या है? TRIANGLE, ट्राइंगल. ट्राइंगल का एग्जांपल क्या है? जो सैंडविच होता है वो किस शेप में होता है? ट्राइंगल शेप में होता है. तो थर्ड शेप जो है आपके ट्राइंगल है. यस, जो फोर्थ शेप है वो रेक्टेंगल की है. इसकी स्पेलिंग है RECTANGLE, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एग्जांपल है ब्लैक बोर्ड. आपकी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है वो किस शेप में होता है? ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगल शेप में होता है. एंड डस्टर जो होता है वो भी रेक्टेंगल शेप में होता है. तो आपने यहाँ पे फोर्थ शेप सीख ली हैं. फर्स्ट शेप थी वो आपकी कौन सी थी? यस, फर्स्ट शेप थी सर्कल. और सेकंड शेप थी स्क्वायर की. थर्ड शेप थी ट्राइंगल की. एंड फोर्थ शेप थी रेक्टेंगल की. ओके चिल्ड्रन, फिफ्थ शेप जो है ओवल है. इसकी स्पेलिंग है OVAL, ओवल. इसका एग्जांपल है एग. जो एग होता है, अंडा होता है, उसकी शेप क्या होती है? ओवल होती है. यस, लास्ट और सिक्स शेप है स्टार की. इसकी स्पेलिंग है STAR, स्टार. स्टार आप लोगों ने देखे होंगे, जो आसमान में, स्काई में चमकते हैं, वो क्या होते हैं? वो स्टार होते हैं. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज शेप्स. मैं आशा करती हूँ आपको ये सारी शेप समझ में आ गई होंगी. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय चिल्ड्रन.